नमस्कार दर्शक बंधु, मो ना हूँ कृतिदीप्त साहू और आपण मैंने देखुंत क्रिएटिव एजुकेशन आइडिया ओडिया यूट्यूब चैनल। तो आज वीडियो आम देखा बीडी एंट्रेंस जो आप प्रीवियस ईयर पेपर थी, तो से किटा जो क्वेश्चन आसाला आम आज डिस्कशन करवा। तो आम फिजिकल साइंस रो क्वेश्चन को डिस्कशन करवा, जो थे कि आपर फिजिक्स ता सहित आम केमिस्ट्री क्वेश्चन को आम डिस्कशन करवा। तो ये आपको प्रैक्टिस सेशन मिले आपर पेड क्लास रे, ईच एंड एवरी टॉपिक्स कंप्लीट है तार ये प्रैक्टिस सेशन आपको देखापी मिले। तो चलो तो आज जो प्रैक्टिस सेशन रही आम स्टार्ट करवा। तो देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन आमको कौन पचार, फर्स्ट क्वेश्चन आमको पचार कि मोमेंटम ऑफ ए ट्रक एट रेस्ट, तामने जो गोटे ट्रक आपर रेस्ट्रे अच्छी मूव करूनी तेल से ही केस तार मोमेंटम केब। ऑप्शन ए देखो तो जीरो दिखाई, ऑप्शन बी वेरी लार्ज, ऑप्शन सी वेरी स्मॉल, ऑप्शन डी दिखाई नॉन ऑफ दिस। तो देखो तो ये जो मोमेंटम रहिला, मोमेंटम को हमें स्मॉल पी रे हमें डिनोट करते। तो मोमेंटम आपणकर कहा को रिप्रेजेंट करते हैं ना, मोमेंटम आपर मोशन कंटेंट इन ए बॉडी, माने गोटे बॉडी रो केते मोशन बा गति रही आपर मोमेंटम मेजर करते हैं। तो मोमेंटम को मेजर करार फॉर्मूला कौन हो, मोमेंटम को मेजर करार फॉर्मूला हूँ पी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। जदि आम मास रे वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करवा तेल आमको मोमेंटम मिलता है। तो देखो तो आपण पचार कि ट्रकटा जितेबाला रेस्ट्रे अच्छी तार मोमेंटम केदी, ट्रकटा रेस्ट्रे अच्छी तेल तार वेलोसिटी के जीरो होने कहींपर कि आम वी इक्वल्स टू जीरो हम, जदि वी इक्वल्स टू जीरो आम जदि मास रे कौन से भी वैल्यू माने जीरो को मल्टीप्लाई करवा, तो जीरो इंटू समथिंग कौन होता है जीरो होता है। तो आपर मोमेंटम कौन हो जीरो होदी आपर गोटे ऑब्जेक्ट आपर रेस्ट्रे अच्छी ताले सही केस रे तार वेलोसिटी आपर जीरो हो जाऊँगी, जदि वेलोसिटी जीरो हो जाऊँगी ताले सही केस रे मास इनटू वेलोसिटी के तब ना मास इनटू जीरो हो जाऊँगी, वेलोसिटी आपर जेहेतु जीरो हो जाऊँगी तो आपर मोमेंटम कौन हो जीरो हो जाऊँगी। तो आमर ए केस रे क्वेश्चन नंबर वन रे मोमेंटम केते आसीबो जीरो आसीबो। तापर देखो तो क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू कौन कहे ना यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस रो यूनिट कौन रहिबो। ऑप्शन देखो तो ऑप्शन ए दिखाई वोल्ट, ऑप्शन बी दिखाई ओम, ऑप्शन सी दिखाई एम्पेयर, ऑप्शन डी दिखाई फाराडे। तो देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस माने जदि आम देखा सिंपल लैंग्वेज रे पोटेंशियल डिफरेंस माने होची वोल्टेज। तो ये वोल्टेज को मेजर करिया पय आमे को यूनिट को व्यवहार करितो। तो देखो तो वोल्टेज को मेजर करिया पय आमे वोल्ट को यूज करतो। तो आपण माने देखिथबे हमर बैटरी आस्थाए कि आपण मानकर घरे भी इलेक्ट्रिसिटी व्यवहार करते, तो से आपण मानकर विभिन्न प्रकार आपण मानकर डिवाइस थिबो, से डिवाइस रे आपण मानकर लिखा थाई कि केते रु केते वोल्ट सेटा आपण मानकर नहीं पारिबो, तो ताको आमे पोटेंशियल डिफरेंस बोली कहिथौ। तो पोटेंशियल डिफरेंस रो यूनिट कोन आसला ना वोल्ट आसला। तापर देखो तो ये जो ओम रही, ओम टा आमर कहार यूनिट ना, ओम टा होची आमर रेजिस्टेंस रो यूनिट। से भाया एम्पेयर, एम्पेयरटा कह यूनिट ना, एम्पेयरटा हूँ आपर इलेक्ट्रिक करेन्ट जो आए, तो ताको मेजर करने आमर एम्पेयर को यूज करता। तापर देखो तो फाराडे, फाराडे क्या यूज मेजर करने यूज कराए ना, फाराडे आपर कैपासीटेन्स को मेजर करने यूज कराए। ओके तो आपर क्वेश्चन नंबर टू राइट आंसर है ऑप्शन ए। बर्तमान जी आम क्वेश्चन नंबर थ्री को, क्वेश्चन नंबर थ्री देखो तो कौन दिखाई आमको द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रो ए सर्किट। जदि आमको गोटे सर्किट दिखाई, तो से सर्किट रे आपर चार्ज जो फ्लो हो, तो से चार्ज फ्लो रो रेट को माने आपण मान गोटे टाइम जी अमाउंट रो चार्ज फ्लो हो, तो आम कौन कह। ऑप्शन देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी, करंट, रेजिस्टेंस। तो देखो तो आमर जो चार्ज फ्लो होता है किंबा रेट ऑफ चार्ज फ्लो जो थाए आम कौन कही ना करेन्ट कही, माने गोटे यूनिट टाइम रे माने गोटे सेकेंड रे आपर जी अमाउंट रो चार्ज फ्लो होता है आम करेन्ट बोली कही। तो ये आपर क्वेश्चन नंबर थ्री रो राइट आंसर कौन हो ना करेन्ट हो। ओके तापर देखो तो नेक्स्ट ऑप्शन जो रही पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस तो मुझे कि वोल्टेज ताको आम पोटेंशियल डिफरेंस कही था। एनर्जी आपर कौन ना, एनर्जी हूँ आपर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क,
काम करार जी कैपासीटी थाए आम एनर्जी कही था तो आपर ये एनर्जी तो ऑप्शन के भी हेनी ओके तापर रेजिस्टेंस आपर कौन होता है ना आपर जो करेंट फ्लो होता है ताकि जी रेजिस्ट करते हैं आम रेजिस्टेंस कही था तो आपर जदि रेजिस्टेंस करेंट फ्लो को रेजिस्ट करुच्चे सी के आपर ऑप्शन राइट आंसर हेनी ओके तो क्वेश्चन नंबर थ्री राइट आंसर हो करेंट वर्तमान जी क्वेश्चन नंबर फोर को क्वेश्चन नंबर फोर देखो कौन दी एन एग्जांपल ऑफ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड बट स्टिल एक्सेलरेटिंग जदि गोटे बॉडी कांस्टेंट स्पीड रे मूव करेटा एक्सेलरेटिंग ऑप्शन देखो कौन दी ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट पाथ तापर ऑप्शन सी देखो दी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी देखो दी नॉन तो देखो तो क्वेश्चन नंबर फोर राइट आंसर कौन हम वर्तमान आम देखा एक्सेलरेशन कौन ओके तो एक्सेलरेशन कौन होता है ना एक्सेलरेशन को आम स्मॉल ए नोट करते तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम माने आपर डेल वी डिवाइडेड बाय टाइम होता है आमर एक्सेलरेशन आपर वेलोसिटी जिते चेंज होते एक्सेलरेशन आए तो आपण मैंने जानते कि वेलोसिटी हूँ गोटे वेक्टर क्वांटिटी जेहेतु वेलोसिटा गोटे वेक्टर क्वांटिटी तार मैग्नीट्यूड अच्छी सहित तार डायरेक्शन भी अच्छी तो आपर जब मैग्नीट्यूड चेंज हुए तो भी वेलोसिटी चेंज हो जब डायरेक्शन चेंज हुए तो आम कह कि वेलोसिटी चेंजेस होतु आमको दे गोटे बॉडी जो अच्छे से कांस्टेंट वेलोसिटी रे मूव करुच्ची कांस्टेंट वेलोसिटी रे मूव करुच्ची तार मैग्नीट्यूड तो चेंजेस हो किंतु से कौच कि एक्सेलरेशन होक्सेलरेटिंग होने आपर एक्सेलरेशन बाहर जदि एक्सेलरेशन बाहर वेलोसिटी चेंजेस हो किंतु आपर मैग्नीट्यूड तो चेंजेस होदि मैग्नीट्यूड चेंजेस होक्सेलरेशन क्रिएट होना चाहे आपने जानजे कि डायरेक्शन जो आपर एक्सेलरेशन क्रिएट हो तो डायरेक्शन केत चेंजेस हम ऑप्शन देखते दिखाई आमको कौन दिखाई ऑप्शन बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड रे जाउची ता माने वेलोसिटी चेंजेस होनी इन ए सर्कुलर पाथ जदि से सर्कुलर पाथ रे मूव करुची तो आपण माने जानिथिबे सर्कुलर मोशन रे हमर थाए कोन ना जदि गोटे बॉडी सर्कुलर पाथ रे मूव करुची ताले एवरी पॉइंट रे तारो डायरेक्शन चेंज हेते तो एठी आपण मानकर मैग्नीट्यूड चेंज होनी वेलोसिटी रो किंतु डायरेक्शन चेंज होची ता माने हमर राइट आंसर हे जइबो ऑप्शन ए ओके तो डायरेक्शन जगु एठी आपण मानकर कोन होची ना वेलोसिटी चेंजेस होकर वेलोसिटी चेंजेस होगा जो ही एक्सेलरेशन ऑप्शन बी देखा कहीं रंग है देखो बॉडी मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट पाथ से देखो आपर स्ट्रेट पाथ रे मूव करुच्ची जदि सी स्ट्रेट पाथ रे मूव करुच्ची तेल देखो स्पीड तो कांस्टेंट अच्छी तो वेलोसिटी चेंजेस होनी किंतु सी स्ट्रेट पाथ रे जेहेतु जाउची तार डायरेक्शन रे भी चेंजेस आसुनी जदि डायरेक्शन रे भी चेंजेस आसुनी मैग्नीट्यूड रे भी चेंजेस आसुनी तेल वेलोसिटी चेंजेस हेनी आ जदि वेलोसिटी चेंजेस हेनी एक्सेलरेशन भी आसिबो नाही सो ऑप्शन ए हिजबो यार राइट आंसर तापर देखंतु फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कौन कौच ए रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ तो रॉकेटटा आपण मानकर कहा प्रिंसिपल उपरे काम करथे मास रो मोमेंटम रो एनर्जी रो वेलोसिटी रो तो यार राइट आंसर कौन हम यार राइट आंसर हम मोमेंटम मोमेंटम कहीं हम मोमेंटम मु वर्तमान आपण कि मोमेंटम आमर क्या मेजर करथे मोमेंटम आमर मेजर करथे द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंड इन ए बॉडी तो गोटे बॉडी रे केते अमाउंट रो मोशन अच्छी ताकु से मेजर करते हैं मोमेंटम तो ये देखो तो मोमेंटम उपरे काहे कि सेटा बेस्ड हो देखो तो कहीं जिते बार जानते हैं यहाँ सपोज करूँ कि रॉकेटटा ओके तो ये रॉकेटटा जिते बारे तो से कौन करें तार जो फ्यूल्स गुड़ाक थाए से गुड़ाक आपर बहुत ही स्पीडली बर्न होता है तो जेहेतु फ्यूल गुड़ाक आपर बहुत ही स्पीडली बर्न होता है तो से गुड़ाक आपर बैकवर्ड साइड को इजाकुलेटेड होता है मानने आपर बैकवर्ड साइड को बाहरी थाए जेहेतु आपर बैकवर्ड साइड को से गुड़ाक अपोजिट डायरेक्शन रे बाहरी थाए तो आपर रॉकेट उपर गोटे स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई होता है रॉकेट उपर जितेबाला स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई हुए तो यार मोशन इनक्रीज हो जाता है तो आपर फोर्स जो कौन होता है ना यार मोमेंटम इनक्रीज हो जाता है तो से आम कहीपर कि रॉकेटटा जो थाए से आपर कहार कंजर्वेशन उपर प्रिंसिपल उपर आपर कम करते ना मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल उपर कम करें क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो कौन दी हाउ मेनी ऑर्बिट्स इन द सोडियम आयन तो आपण मैंने देखो ऑप्शन कौन दी थ्री टू फाइव सेवेन
तो देखो ये पिला भूल कौटी करती प्रथम आम देखा देखो से देखते कौन ना सोडियम। तो सोडियम आपण मैंने जानते हैं सोडियम रो केमिकल फॉर्मूला हूँ Na। तो सोडियम रो आपण मानकर एटॉमिक नंबर हूँ केते 11 हूँ। ओके सोडियम रो एटॉमिक नंबर हूँ 11। जेहेतु सोडियम रो एटॉमिक नंबर आपण मानकर 11 तो आपण मानकर जदि आम या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रे रखिबा माने ऑर्बिट बनेबा। तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट रे आपण मानकर दुईटा इलेक्ट्रॉन रहइबो, सेकंड ऑर्बिट रे आपण मानकर आठटा इलेक्ट्रॉन रहइबो, सेई भला जो थर्ड ऑर्बिट आसीबो थर्ड ऑर्बिट रे आपण मानकर गोटी इलेक्ट्रॉन रहइबो। तो पिला माने कोन करंती ना एठी आपण मानकर सोडियम को नेकी से माने कैलकुलेशन करंती। तो देखंती कि गोटी ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो तीनटा ऑर्बिट होजे तो ऑप्शन 3 को से माने राइट कर देबे। ओके माने ऑप्शन ए रे आपण मानकर 3 दिया छै, एटा आपण माने राइट कर देबे, किंतु भूल हो कहीं क्वेश्चन आपण मैं पचार सोडियम आयन, जेहेतु सी सोडियम आयन पचार तो ये आम सोडियम एटम को नहीं पार्बानी। सोडियम आयन रो केमिकल फॉर्मूला हूँ Na प्लस, ता गोटे इलेक्ट्रॉन रो कमी अच्छी डेफिशिएंसी अच्छी। जदि गोटे इलेक्ट्रॉन रो कमी अच्छी ताले यार एटॉमिक नंबर केते हिजबो ना 10 हिजबो, माने एथिरे आपण मनकर 10टा इलेक्ट्रॉन अच्छी। तो 10टा इलेक्ट्रॉन केतोटी ऑर्बिट रे रही परबो आपण मनकर दीटा ऑर्बिट रे, गोटे ऑर्बिट रे दीटा आपण मनकर, आ सेकंड ऑर्बिट रे आपण मनकर 8टा इलेक्ट्रॉन रहइबो। तो आपण मनकर सोडियम आयन पई केतोटी ऑर्बिट हबो ना दीटा ऑर्बिट हबो, तो ऑप्शन बी हिजबो यार राइट आंसर। ओके तो देखो तो 7 नंबर क्वेश्चन कौन दिया है, द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर रो वैल्यू केते हो। ऑप्शन देखो तो दिया है 3.6 × 10⁵ जूल, 3.6 × 10⁶ जूल, 3.6 × 10⁷ जूल, तापर दिया है ऑप्शन डी 3.6 × 10⁹ जूल। तो या आम कैलकुलेशन करवा देखो 1 किलोवाट रो वैल्यू केते हेते आपण माने जानिथिबे 1 किलोवाट रो वैल्यू हेते आपण मानकर 1000 जूल पर सेकंड हेते। तापर देखो 1 आवर रो वैल्यू केते हेते आपण माने जदि सेकंड रे को कैलकुलेशन करिवे तो यार वैल्यू हेते आपण मानकर 3600 सेकंड हेते। वर्तमान आपण मानको पछि कि 1 किलोवाट आवर, ता माने 1 किलोवाट आउ 1 आवर को हमें मल्टीप्लाई कर दबा, तो 1 किलोवाट रो वैल्यू होची 1000 आउ 1 आवर रो वैल्यू होची 3600। ओके तो 1000 × 3600 को जदि मु मल्टीप्लाई कर देबी तापर यूनिट देखंतु कोन आसीबो एठी दिया छै हमरो जूल डिवाइडेड बाय सेकंड इनटू एठी आपण मनकर आवर को हमें कोन रे कन्वर्ट कर सेकेंड रे कन्वर्ट कर तो इंटू सेकेंड कर, तो सेकेंड सेकेंड जदि कैनसल हो आपण मैं यूनिट मिले जूल रे मिले। ओके बर्तमान या आपण मैंने मल्टीप्लाई कर दिंतु, तो आपण मैंने मल्टीप्लाई कले आपण मैं मिले 36 × 0 के गोटे दुईटा तीन टा चार्टा पाँचटा मानने आपण मैंने करेंगे 10⁵ जूल। तो ये 36 × 10⁵ जूल आसला, किंतु आमको दरकार अच्छे 3.6 फॉर्म्रे जदि या आम 36 को 3.6 करवा तो आमको मिले कत 3.6 × 10⁶ जूल। तो 3.6 × 10⁶ कौटी दिखाई देखो ऑप्शन बी रे दिखाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आपण मैं ऑप्शन बी हो राइट आंसर। तो 1 किलोवाट आवर वैल्यू हो 3.6 × 10⁶ जूल। ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन नंबर 8 कौन दिया है, ए मैन ट्रावेल डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस एंड 10 किलोमीटर टुवर्ड हिज हाउस बैक, देन द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मैन इन होल ट्रिप इज। तो से कहे कि गोटे लोक आपण मानकर घर से ऑफिस आड़ को 20 किलोमीटर डिस्टेंस गला, तापर से बैक कला पुणी आपण मानकर घर आड़ को 10 किलोमीटर बैक पड़े आसला। तो सही केस रे तार डिस्प्लेसमेंट केते हबो आपण मानको पचारि ऑप्शन देखो तो दिया 30 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 0 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो या जदि आम कैलकुलेशन करवा डिस्प्लेसमेंट कौन होता है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो देखो तो ये हूँ सपोज तार होम पॉइंट, यहाँ हूँ तार ऑफिस पॉइंट, तो सी होम रु बाहर की ऑफिस आड़ को गला केते डिस्टेंस गला ना 20 किलोमीटर गला। तो जदि से 20 किलोमीटर जा पुणी सी ऑफिस रु बैक कला घर आड़ को 10 किलोमीटर मानने से अधा रास्ता पलि आसला, तो यहाँ मुझे 10 किलोमीटर।
तो वर्तमान से कौटी अच्छी ना वर्तमान से यही पॉइंट अच्छे तो ये पॉइंट को मुझे पी ना दे दूँगी। तो देखो तो वर्तमान आम इनिशियल पॉइंट आसला कौन एच आसला और फाइनल पॉइंट से कौटी अच्छी ना पी पॉइंट अच्छे। ओके तो यही दुटा पॉइंट भितर सर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने सबुठ कम डिस्टेंस के देखु आपण मैं टोटल डिस्टेंस आपने कह 20 किलोमीटर अच्छे। टोटल डिस्टेंस रु जब आम जी से बेक आदि आम माइनस करदे से 10 किलोमीटर। तो देखो 20 - 10 किलोमीटर आपर कौन मैं 10 किलोमीटर। तो ये केस रे यार डिस्प्लेसमेंट के 10 किलोमीटर आसला। सो ऑप्शन बी ही यार राइट आंसर। किंतु जब आपको पचारि था कि यार डिस्टेंस केते कवर कर तो डिस्टेंस कौन ही था ना एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द मैन। ओके तो से लोकटा से एक्चुअल लेंथ के मूव करें डिस्टेंस बोली कही था। तो एक्चुअल लेंथ से केते जाइछि ना प्रथम गला से 20 किलोमीटर तापर से आसला 10 किलोमीटर। तो 20 + 10 आपण मानकर 30 किलोमीटर एटा हो गला तार डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो था 30 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट हो था 10 किलोमीटर। तो आमको पचार डिस्प्लेसमेंट तो 10 किलोमीटर हो यार राइट आंसर। ओके तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। तो क्वेश्चन नंबर 9 कौन दिया है ए स्ट्रेच्ड रबर हेज। जदि आम गोटे रबर को स्ट्रेच करो एनर्जी आसो ऑप्शन देखो तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 रो राइट आंसर हम कौन ना पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहीं हम देखो तो पोटेंशियल एनर्जी आपर कौन है ना एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू इट्स पोजिशन और कन्फिगुरेसन। जितेबाला आपर गोटे बॉडी रो पोजिशन चेंजेस होता है किंबा तार कन्फिगुरेसन मीनस तार सेप चेंजेस आता है से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो आपर रबरटा कौन होना स्ट्रेच होते रबरटा स्ट्रेच होते कौन हो तार सेप चेंजेस आसने आम कहीपर कि तार कन्फिगुरेसन चेंजेस आसफिगुरेसन चेंजेस होदी तार कन्फिगुरेसन चेंजेस होने से कौ एनर्जी स्टोर हो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किंतु होदी आम रबरटा को स्ट्रेच करके छाड़ी देवा तेल से कौन हम ना तार कन्फिगुरेसन पुणी थे तार ओरिजिनल स्टेट को आसो तो से जो पोटेंशियल एनर्जी तार स्टोर हो पोटेंशियल एनर्जीटा तार कौन हो चेंज है कि सेटा आपर मोशन रे कन्वर्ट हो से मोशन रो आपण मानकर क्रिएट हेबो कौन ना काइनेटिक एनर्जी। तो आपण मानकर स्ट्रेच रबर रे आपण मानकर पोटेंशियल एनर्जी रहइबो किंतु जेतेबेला हम रबरटा को स्ट्रेच करके छाड़ी देबा तो सेतेबेला सेतरे आपण मानकर आसी जइबो कौन काइनेटिक एनर्जी। ओके तापर जइबा लास्ट क्वेश्चन आजर 10 नंबर क्वेश्चन को। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखंतु कौन रहिछि। तो देखंतु 10 नंबर क्वेश्चन रहिछि एट व्हिच टेंपरेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो कौ टेम्परेचर रे वाटर रो डेंसिटी मैक्सिमम हबो 100 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री 4 डिग्री नन ऑफ दिस। सो देखो डेंसिटी डेंसिटी माने कौन होता है ना आमर होता है डेंसिटी रो फॉर्मूला होची आप मास पर वॉल्यूम। ओके डेंसिटी होची सांद्रता सांद्रता को आम कौन कैलकुलेशन करता ना मास पर वॉल्यूम माने गोटे वॉल्यूम रे आपर के अमाउंट रो मास रही आम डेंसिटी बोली कही था। तो देखो जदि आप वॉल्यूम इनक्रीज होकर डेंसिटी वैल्यूटा डिक्रीज हो कहीं वॉल्यूम रोचे आपर डिनोमिनेटर जब वॉल्यूम आपर बढ़ी जब फ्रैक्शन वैल्यू कमी। ओके ये आपने मैथमेटिक्स पढ़ी थे। तो बर्तमान देखो आम 100 डिग्री कथा जदि देखिए तो 100 डिग्री कौन होता है ना 100 डिग्री आम वाटर बॉयल होता है माने सेटा आपण गैसियस स्टेट रे चेंजेस होता है। जदि आपण मानकर वाटर टा बॉयल हो कि गैस रे कन्वर्ट हो जाऊँगी ताले तार वॉल्यूम कौन हो ना वॉल्यूम आपण मानकर एक्सपांड हो। ओके गैस रो सबुठार मैक्सिमम वॉल्यूम थाए कहीं आपर मैक्सिमम स्टेट रे सेटा आपण मानकर व्यापी जाए तो सही तार वॉल्यूम अधिक होदि वॉल्यूम अधिक होपर सबुठ लेस डेंसिटी कौ क्षेत्र में हम ना आपर गैसियस स्टेट रे हम। तो आमको पचार मैक्सिमम डेंसिटी तो मैक्सिमम डेंसिटी आम कौ गैस हम देखो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रे ही आस। ओके तो आपको मन रखिपारे कि आपर वाटर मैक्सिमम डेंसिटी कौ टेम्परेचर रोहे ना आपर 4 डिग्री सेंटीग्रेड रोहे। तो आपर ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही एग्जामिनेशन आसता है। ओके तो ये गुड़ाक किसीटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आशा करी कि आपको आज प्राक्ट सेसन भल लगे जदि प्राक्ट सेसन भल लगी वीडियो को लाइक करूँ सेयर करूँ और चैनल को जो सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करूँ देखा कम भिडे।